ज्यादती ना करवाइए। ये ज्यादती बहुत हो चुकी है सर, सुन लीजिए ना, दलाल भी सुन लीजिए। मैं ये नहीं करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने बैठ जाए हम लोग। नहीं नहीं, आप जब एक चीज कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसे अमल कर लेना। आप यहाँ इस पर अमल नहीं करो, एक और अमल करने को ही कह रहा हूँ। It has left this option open that through a maturing interpretation of this court faced with a contemporary problem, the court can solve this problem through interpretation because the section itself allows. But can we hear the election commission on this? Because you are not required to have a solution to it. This is their solution that they will give. So let's just park it here. Let them explain how this works. आप अपना केस बता दें कि जी ये मेरा केस। देखिए, अगर आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, दिस गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि या तो इंटरप्रिटेशन जो मैं ले रहा हूं वो हो ही नहीं सकती है, तो फिर तो आप उस तरफ चल सकते हैं कि कोई क्रिएटिवनेस लाइए, कुछ रीडिंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की। सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना। अब ये कोई मफरूजे की बात नहीं है, आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, एक मफरूजा लेते हैं, आपकी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, अब ये जो खवातीन और नॉन मुस्लिम की जो सीटें, ये जाएंगी कहाँ, जो कम नंबर फॉल कर गया है? तो आप कहते हैं इसके लिए आपको क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करनी होगी। मैं कहूंगा नहीं, आईन वाजे तौर पर कह रहा है 51D, मैं उसी पे अमल करूं, मैं क्यों क्रिएशन करूं? यही तो देखिए, जब हम बात कर थ्री मेंबर्स ऑफ दिस बेंच हैव डन दिस, या आप पूरी पूरी थ्री मेंबर्स ऑफ दिस बेंच हैव डन दिस, यू हैव नॉट लिस्ट three members, when you speak I try not to interrupt. Achha, sorry sir, sorry. I mean, if you don't find meri galti sorry, nahi sir, please. I'm tired of this country having creative solutions from the Supreme Court. Either if there's no solution, go there to Parliament. If that is your case, then it's not our job. Sir, we will not make the law for you. We will not create amend the constitution for you. ये उनका काम है। और दूसरी, अब आप फिर तहम्मुल कीजिए ना। एक मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है इंटरप्रिटेशन, वो बात अलग है। आईन में इसकी गुंजाइश दे दी, आईन ने दे दिया सिस्टम कि जी आप हाउस को फुल कीजिए, या तो आप कहते हैं फिर हाउस को खाली रखें। वो फिर मैं फिर आपकी दलाइल में कुछ थोड़ा वजन आता। आपने छूटते ही मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था 336 का नंबर कम आ सकता है, आपने कहा नहीं आ सकता, बात खत्म। तो फिर उसको पूरा करना है। आप 77 लोग नहीं ज्वाइन करते आपकी पार्टी को, फिर ये इलेक्शन कमीशन खाली रखती सीटें, किसको देती? ठीक है, वो मेरे ख्याल में पीटीआई का बहुत अच्छा केस था। अगर ये लोग जाके ज्वाइन नहीं करते आपकी पार्टी को, वो अपनी हैसियत कायम रखते और कहते हमें दे दो सीटें, मुझे समझ नहीं आता किस दलाइल पे वो फिर रिफ्यूजल होता। आई डोंट नो।